और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कि हाँ गेहूं जैसे होता है ना, गेहूं में ऐसा बोलते हैं कि गेहूं में अगर ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो गेहूं अच्छा पकेगा, वो कंसेप्ट हमारे इंडिया में सब जगह है ज़्यादातर। तो वहाँ पे तो बारिश और ठंडी तो साथ में चलती है, तो फिर गेहूं उगता कैसे है? मुझे कई बार ये होता है क्वेश्चन, तो गेहूं कैसे पॉसिबल है? गेहूं अगर आप हमारे इंडिया में गेहूं का अभी उसकी लिमिट नहीं रही, हम 50 मान 20 क्विंटल आराम से 1 एकड़ से निकाल लेते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वो रेगिस्तान का ढंग होने के कारण, ज्यादा बरसात ना होने के कारण, जहाँ का गेहूं है वो 5 क्विंटल ही निकलता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा 7 निकल आएगा एकड़ का। तो इसलिए यहाँ पे वो नेचुरल है, मशीन भेज देती है, उसके बाद सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा आजकल एक स्प्रे करते हैं उसके बीड की स्प्रे करते हैं और खरपतवार ना हो इसके लिए, पर उसके ज्यादा कुछ नहीं करते। उसके बाद सिर्फ कंबाइन काटती है, वो बहुत हल्की सी होती है उनकी, जो बोलते हैं उनकी या ऊपर बल्ली बनी होती है, क्या बोलते हैं आप हिंदी में उसको, जिसमें दाने होते हैं, बीज होता है जिसमें, हाँ तो वो बहुत छोटी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो अच्छा इसलिए उसका फर्क होता है। अगर अच्छी बरसात हो जाती है जिस साल, तो उस साल गेहूं की पैदावार अच्छी हो जाती है, क्योंकि पानी तो लगाया नहीं जाता, ऊंचा नीमा है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं लगाते यहाँ पे गेहूं।